नमस्कार, जय हिंद। मिक्सचर और एलिगेशन की आज तीसरी और आखिरी क्लास है, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि हमने जो कॉन्सेप्ट्स किए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लें, और उस पर हम लोग कुछ और, अगर कुछ डिफरेंट हो सकता है राइट, और कुछ ऐसी नई चीज़ मिल सकती है, चाहे वो आपके डाउट्स के फॉर्म में है या फिर कुछ और क्वेश्चंस जो हमारे बीच में आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं, तो उनको हम आज देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे एक ये बड़ा सिंपल सा पहला क्वेश्चन मैंने पिक किया है राइट। इसको पिक करने का रीज़न सिर्फ इतना था कि ये वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि फटाफट से इसका आंसर हम लोगों को दे देना चाहिए। रिप्लेसमेंट के लिए मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था राइट, एक बार याद दिलाता हूँ। रिप्लेसमेंट के लिए मैंने आपको क्या आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एक वेसल है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कैपिटल V है, और अगर आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी लिक्विड है आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं, मान लीजिए जो रिप्लेसमेंट वाला वेसल है इसकी वॉल्यूम स्मॉल V है, तो मैंने बताया था कि रिप्लेसमेंट के बाद जो भी इसमें ओरिजिनल चीज़ होगी N रिप्लेसमेंट्स के बाद वो कितनी हो जाएगी। तो हमने V फाइनल का एक फॉर्मूला क्रिएट किया था, वो कितना था भाई, वी वन माइनस वी अपॉन वी कैपिटल V है ना, रेस टू दी पावर एन। ये हमने रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में किया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली इससे सॉल्व हो सकता है, देखा जाए क्या, आओ देखते हैं। एक वेसल है जिसमें 400 लीटर मिल्क है, यानी कैपिटल V का मान कितना दे रखा है, 400 लीटर। 20 लीटर मिल्क टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर, यानी स्मॉल V का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। देन अगेन फ्रॉम द मिक्सचर 20 लीटर्स, फिर से मतलब N कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। V फाइनल कैसे निकालोगे, 400 1 माइनस क्या हो जाएगा भाई, 20 बटे 400, पावर कितनी, पावर तो क्या ये कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ कैंसिल हो रहा है। कितने से जा रहा है ये हमारे पास जा रहा है, एक ज़ीरो गया और 40 गया, तो 20 हो गया क्या, 1/20 हो गया, ठीक है, 1/20 हो गया, यानी कि 400 और ये हो गया तुम्हारे पास 19/20। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, यानी V फाइनल हमारे पास 361 आ गया, काम खत्म हो गया। आपसे पूछा गया मिल्क और वाटर, तो मिल्क कितना है, 361 है, तो बाकी वाटर होगा, 400 में से बाकी वाटर घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, दैट्स ऑल। दिस शुड बी द फाइनल आंसर, 361/39:39, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। तो बड़े आसानी से हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर लिया, लेकिन हमारा लास्ट क्लास का मकसद क्या होता है कि अगर कुछ बदलाव आया तो कैसे डील करेंगे। देखिए, जैसे एक सवाल है आपको, मैं सॉल्व करने के लिए थोड़ा समय देता हूँ, ज़रा प्रयास करके देखो। अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में है। एक बर्तन में O2 और N2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कुल मिश्रण का 16% है। हमने मिश्रण कि कुछ मात्रा निकालकर उतने ही N2 डाला, वो तो यहाँ भी रिप्लेसमेंट ही रहा है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल यहाँ पे 100% नहीं है, इस बात को समझना है, ठीक है, मिला दिया। यह प्रक्रिया कुल 2 बार हुई है, यानी N का मान कितना है, 2 है। अब उसमें बची हुई O2 की मात्रा मिश्रण की कुल मात्रा का 9% है, जब N2 से उसको रिप्लेस किया गया तो O2 का परसेंटेज घट के कितना आ गया, 9% आ गया। तो बोल रहे हैं कि बताइए, अगर टोटल आपके पास 8 लीटर्स था, मिक्सचर था, ठीक है, टोटलिटी मिक्सचर था, तो बताइए कितनी मात्रा निकाली गई। मैं तुम्हें 30 सेकंड का समय देता हूँ, सोच के बताओ, वीडियो पॉज कर देते हैं, ठीक है, सोच के बताओ। देखिए, रिप्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट के लिए आपने एक कॉन्सेप्ट अभी अभी पढ़ा, उसको सवाल में अप्लाई भी किया, ठीक है, पिछले क्लास में भी हमने उसको किया था। क्या था, हमने देखा था कि वी फाइनल, वी इनिशियल, 1 माइनस जो भी रिप्लेसमेंट है, अपॉन वी इनिशियल की पावर एन, ठीक है, जब 100% था तो हम इसको अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। ध्यान से सुनना, जिसकी मात्रा में भी बदलाव आ रहा है, जिसकी मात्रा में भी बदलाव आ रहा है, ठीक है, अब ये जो इस तरह के केसेस आएंगे इसमें तुम बस स्लाइट चेंज है, बल्कि देखा जाए तो कोई चेंज भी नहीं है, बस सिर्फ सही तरीके से तुम्हें उसे अप्लाई करना है, राइट। तो V फाइनल बटे V इनिशियल हो जाएगा भाई, इसको इस तरफ ले आओगे क्या दिक्कत है, ठीक है, और 1 माइनस V अपॉन ये जो
वी फाइनल और वी इनिशियल है ना, देखो मैं इसको थोड़ा ना इसको इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये हो कैसे रहा है, ये जो तुम्हें दिख ही रहा है ना, ये चीज़ कैसे हो रही है, ये तो आसानी से आप देख पा रहे हैं, है ना, आसानी से आप देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसको कंसेप्चुअली करेक्ट करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए मैं इसमें कुछ बदलाव कर रहा हूँ। जैसे मैं वी फाइनल को बोल देता हूँ ए टू और वी इनिशियल को बोल देता हूँ ए वन, यानी जितना भी ये बचा हुआ था अब बचा हुआ रह गया है सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में, और पहले कितना था, ठीक है, फाइनल और इनिशियल, ठीक है, अच्छा, और वन माइनस जो भी रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है, मान लो रिप्लेसमेंट एक्स है, और ये मैं बोलूँगा टोटल, ये वी इनिशियल ना बोल के मैं क्या बोलूँगा, टोटल जो भी उस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, जो भी उस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम है। अगर तुम इसको सही तरीके से अप्लाई करोगे तो मुझे लगता है 30-40 सेकंड में इस अच्छे सवाल का भी आप उत्तर बड़े आसानी से सही निकाल पाएंगे, बिना विकल्प के, ऑप्शंस भी नहीं है, ठीक है। कैसे भाई, देखा जाए, पहले 16% ध्यान रखना, एक ही चीज़ का प्रतिशत दोगे, एलिगेशन में हमने हमेशा बताया एक चीज़ होना चाहिए, जैसे यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 16% है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 9% है, यानी ए टू कितना है 9, ए वन कितना है 16, ओके, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन कितनी बार हुआ है, ऑपरेशन 2 बार हुआ है, एन का मान 2 है, ठीक है। X यही तो चाहिए, X ही तो चाहिए, कितना रिप्लेस किया गया, टोटल कितना है 8 liters। देखो यहाँ पे इसमें और इसमें क्या अंतर है, तुम समझ पा रहे हो ना, यहाँ तुम्हारे पास V इनिशियल जो यहाँ था वही सेम V इनिशियल यहाँ पे था, लेकिन यहाँ क्या, जो भी जिस अनुपात में भी है टोटल रेशियो है, ठीक है, और यहाँ पे जो वी आई है ये क्या है तुम्हारे पास, ये टोटल है, टोटल वॉल्यूम है उस कंटेनर का, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए, जब भी सवाल ना, किसी भी एग्जाम के सवाल में मैंने आपको हमेशा बताया ना, हमेशा उसमें जो नंबर्स होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, जैसे ये आपका कितना है 9/16 है, राइट, और यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो क्यों ना स्क्वायर रूट कर लें, कितना हो जाएगा बताओ, 3/4 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, ये 3/4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया मेरे बच्चों, 1 - x/8, क्या x का मान निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, इस तरफ लेके जाइए, ये आपके पास x/8 कितना हो गया, 1 - 3/4 यानी कि 1/4, x का मान कितना आ गया बच्चों, x = 2, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर तुमने कॉन्सेप्ट्स को ठीक से देखा है, उसमें होने वाले बदलाव को भी ठीक से समझा है कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो जहाँ डायरेक्टली ना होके थोड़ा कुछ बदलाव आ सकता है, तो उसको भी हमें डील करना आना चाहिए। जल्दी से बताओ यस नो करके, अगर तुम्हें समझ में आए कि ध्यान से देखेंगे, बड़ा आसान सवाल था ये, दूध और पानी, मिल्क और वाटर कितना है 3:1, और इसमें क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया, वाटर मिलाया गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, और यहाँ फाइनल यहाँ पे मिल्क और वाटर कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो बताइए कितना भाग यहाँ से निकाला गया, व्हाट फ्रैक्शन हैज बीन टेकन आउट। इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ फ्रैक्शन पे बात होगी, ध्यान रखना, तुम सीधे सीधे क्या करोगे, तुम इसको 1 ले लोगे, किसको 1 लोगे, जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसको 1 ले लोगे, क्यों, क्योंकि भाई आधा निकाला गया तो 1/2 हो जाएगा, एक तिहाई निकाला गया तो 1/3 हो जाएगा, एक चौथाई निकाला गया तो 1/4 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो 1 लेने से ये बेनिफिट आता है कि कैलकुलेशन में काफ़ी रिड्यूस टाइम हो जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसमें से कितना निकाला, एक्स निकाला, तो जितना निकाला उतना ही पानी डाला, रिप्लेसमेंट है ना मेरे भाई, ठीक है, तो हमें क्वांटिटी का तो पता लग गया, 1 - x और x। अब मैंने आपको क्या बताया था इस तरह के सवालों में, कि किसी एक चीज को देखिएगा, जब अनुपात होगा तो किसी की, मान लो या तो पानी ले लो या फिर दूध ले लो, क्या लेना है, मान लो दूध ही ले लो, पानी को कौन पूछता है, दूध लिया जाए, ठीक है। तो दूध यहाँ पे कितना है, 3/4 है, यहाँ पे दूध कितना है, 1/2 है, और यहाँ पे पानी में दूध कितना है, 0 है, अंतर 1/2, अंतर 1/4, समझे कि नहीं, 3/4 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यही तो होता है आंसर, हैं, 1 - x / x, ये चीज किसके बराबर, इसके, और ये चीज किसके बराबर, इसके, किससे इक्वेट करूं भाई, 1/2 - 1/4, क्या काम हो गया, मेरे ख्याल से तो हो गया, 4/1 - 4/2 यानी कितना, 2/1 आंसर आ गया, 1 - x = 2x, x बराबर कितना आ गया मेरे बच्चों, 1/3, ध्यान से देखो आंसर कितना होगा, 1/3, कितना पार्ट रिप्लेस किया गया, 1/3 रिप्लेस किया गया, 1 लेने से क्या बेनिफिट हुआ, कैलकुलेशन फटाफट निकल के आ गई, ठीक है, जितना निकला उतना ही डाला हमने, बस उस बात को रख दिया ठीक से। जितने लोगों को समझ में आया जल्दी से यस लिख के बताएंगे, डू इट फास्ट।
भाई इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, इस क्वेश्चन में तो आप अगर देखें तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो किसी क्लरिकल एग्जाम में आएगा और कहीं नहीं आने जा रहा। 80% कॉपर शेष टिन, तो टिन कितना है? टिन है 20%। टिन में क्यों मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ? क्योंकि टिन की बात आगे पूछी जा रही है, इसलिए टिन में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरे में क्या बोल रहे हैं? दूसरे में मिश्र धातु में 85% कॉपर और 12% टिन, ठीक है। दूसरे में कितना है? 12% टिन है। कुछ और भी होगा हमें उससे क्या मतलब है? 3% कुछ और होगा, टोटल 97% हुआ, टोटल चीज 100% होती है, तो भाई 3% कुछ और होगा, हमें क्या मतलब है? क्या है? ओके, आगे क्या बोल रहे हैं? जो मिश्रण इनसे आया उसमें टिन कितना है? 15%। मैंने क्या बोला? एलिगेशन एक बार में एक चीज पे लगाना, दैट्स ऑल। हमने टिन पे फोकस कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक्स है और ये वाई है, अंतर कितना आ गया बच्चों? 5 का। यहाँ पे अंतर कितना आ गया? 3 का, राइट। तो एक्स अपॉन वाई का मान पूछा गया आपसे, तो एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा? 3/5, खत्म। ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, बिल्कुल ही एक्सट्रीमली लल्लू टाइप क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो ये फट से अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, बताइए जल्दी से बताइए। देखिए आपके पास ए बी सी दे रखा है, ठीक है, कॉपर है, टिन है और निकल है। किसी एक चीज को पकड़ लो, चाहो तो कॉपर को ही पकड़ लो, ठीक है। ए बी सी में कॉपर देख रहे हैं, कितना बोला? 80%, 75% और 70%। रेशियो क्या है? ध्यान से देखो, अगर मैं इन सबको 5 से डिवाइड कर दूं तो रेशियो निकल के आ जाएगा 5 से, या तो ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 10। मुझे उम्मीद है आप इस बात को आसानी से समझते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2:3 का रेशियो है, 3:5 का रेशियो है, तो क्या मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि कब कभी भी जब तुम्हें रिजल्टेंट निकालना होता है ना, मिडिल वैल्यू नहीं दे रखी होती है, तो मैंने क्या बताया था कि एलिगेशन मत लगाना, डायरेक्टली कर देना, वो ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। मतलब मुझे ज़्यादा आसान लगता है, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं डायरेक्टली करूँगा, ये आ गया मेरे पास 160, ठीक है। मैंने क्या किया? गुना कर दिया, 160 देखा, 80%, ठीक है, डिवाइड किया जाएगा बाद में। और ये 75 का दोगुना हो गया 150, 225 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2+3, 5। ये मेरे पास रिजल्टेंट निकल के आ गया। कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 5 से अगर इसको मैं भाग दे दूँ, 5 से तो ये भी भाग जा रहा है, 5 से ये कितना हो जाएगा? 5 से ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 32 हो जाएगा क्या? 32 हो जाएगा। और ये 5 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 और ये 45 हो रहा है। बहुत बढ़िया, यानी ये टोटल हमारे पास आ रहा है 77। कितना आ रहा है? 77। तो दिख भी रहा है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। 80 और 75 के बीच में 77, परफेक्ट, गोइंग गुड, ठीक है। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास 77% है और ये कितना है? ये 70% है, ठीक है। ये हमारे पास कितना है? 5 हिस्सा आया, राइट। कितना हिस्सा आया? 5 हिस्सा आया, 77%, 5 हिस्सा आया। और ये 10 है, मतलब ये कितना रेशियो रह गया तुम्हारे पास? 1:2 का रेशियो रह गया कि नहीं? 5:10 मतलब कितना हो गया? 1:2 हो गया, समझे कि नहीं? अब यहाँ फिर से कर डालो, कितना हो गया तुम्हारे पास? 77 और ये 140 डिवाइडेड बाई वॉट? डिवाइडेड बाई 3। ये तुम्हारे पास रिजल्टेंट निकल के आ गया। तो कॉपर का तुमने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। देखते हैं जरा कितना आया। ये हमारे पास 7 हो गया और 14 और ये 21 हो गया, ठीक है, बटे 3 करेंगे। तो कॉपर का जो परसेंटेज निकल के आ रहा है, एक बार हम कैलकुलेशन दोबारा देख लें, क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई? क्योंकि एग्जैक्ट नंबर आता तो अच्छा रहता, नंबर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़ तो नहीं हो रही, लेकिन चलो देख लेते हैं एक बार, राइट, एक बार ही देख लेते हैं। 77% हो गया, ये हमारे पास 5 पार्ट आ गया था, ये हमारे पास 10 पार्ट रह गया। तो इसको मैंने जब कंबाइंड किया तो ये रेशियो 5:10 यानी कि 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। तो हमने देखा यहाँ पे ये हो गया 77 और ये 2 गुना 140, और डिवाइड किया टोटल तीनों पार्ट से तो हमारे पास इतना आ गया। तो ये कैलकुलेशन तो मुझे ठीक ठाक ही लग रही है, और 217/3, चलो मानते हैं कि ये सही है, ठीक है। ये हो गया 7 से गया, 2 से गया और ये, तो हमारे पास जो कॉपर रिजल्टेंट में आ रहा है वो 72 and 1/3% आ रहा है। हाँ, अगर इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होते या 5 ऑप्शंस होते तो हम ऑप्शन से इसको ज़्यादा फास्टली कर पाते, क्योंकि तीनों चीज़ों का ऑप्शन दिया होता, कॉपर इतना, एल्युमिनियम ये जो भी है, कॉपर है, टिन है, निकल है, इतना इतना दे रखा है, तो हम उसमें ज़्यादा फास्टली कर पाते। एक चीज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया, मान लो कॉपर 2 जगह पे सेम है तो कोई बात नहीं, बाकी 2 पे ध्यान देते और सिर्फ उसको ही निकालते, मतलब तीनों कभी नहीं निकालते,
एग्जाम में हम तीनों क्वांटिटी को निकालने की नौबत नहीं आती। एक चीज तो ये कि तीनों का सम 100 होना चाहिए, पहले वो चीज देख लेते, मतलब थोड़ा मैथमेटिक्स के साथ साथ थोड़ा लॉजिक लगा देते हैं तो फिर हमारा आंसर जल्दी आता है। ठीक है, इस क्लास के बाद मैं आपको ये PDF अभी शेयर कर दूंगा, इसके बचे हुए क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ पुराने क्वेश्चंस भी एडेड हैं इसमें, तो आप उन सबको ट्राई करेंगे और जो भी डाउट आएगा वो मंडे वाले क्लास में आप पूछेंगे। मंडे को हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऐसा करो, एक बार लॉग इन कर लो दोबारा से।